हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमेटोग्राफी एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर थ्री सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर्स या मिक्सचर्स के अंदर जो कंपाउंडस होते हैं उसको एक दूसरे से अलग करके देखते हैं क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड सैंपल फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लीफ है और आप देख रहे हो उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं डेफिनेटली ये कलर तो पिगमेंट्स की वजह से है और आप चाहते हो कि आप देखें कि इस लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं और आप उनको सेपरेट करके देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इमेजिन दैट यू हैवे लीफ आपके पास एक लीफ है फिल्ड विथ बंच ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स है लाइक ग्रीन लाइक येलो एंड ऑरेंज एंड इफ यू वॉन्टेड टू नो विच पिगमेंट्स वर इन द लीफ एंड हाउ मेनी ऑफ ईच कलर देयर वर तो उसके लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्रोमेटोग्राफी यू कुड यूज क्रोमेटोग्राफी टू हेल्प यू टू फिगर आउट फिगर इट आउट तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं इट यूजेज टू फेजेज एक नॉन मूविंग स्टेशनरी फेज और एक मूविंग मोबाइल फेज विच मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज केयरिंग अलॉन्ग द केमिकल कंपाउंड तो देखें हम इसमें दो फेजेज यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज अब आप यहाँ पे देखें ये जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है ये जो पेपर है ये स्टेशनरी फेज है और उसमें एक सालवेंट ऊपर आ रहा है तो ये जो सॉल्वेंट है इसको मैं एम से शो कर रहा हूँ मोबाइल फेज है स्टूडेंट्स तो इसमें जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है और जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज है टेक मोबाइल फेज स्पेसिफिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी तो इसमें जैसा कि पेपर यूज किया गया है तो ये एक एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी का When the solvent travels up the paper, आप देख रहे हो कि सालवेंट ट्रैवल कर रहा है ऊपर आ रहा है पेपर में इट केरीज अलॉन्ग विमिकल तो इसमें जो हमने सैम्पल एड किया है तो वो उसके केमिकल ऊपर ले जाएगा प्रेजेंट इन यूर ओरिजिनल सैंपल फर्दर मोर इच कंपाउंड विल ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड तो मुख्तलिफ कंपाउंड डिफरेंट स्पीड से ऊपर आएंगे क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर में सॉलिबिलिटी के आ, हवाले से तो वो उस हिसाब से ऊपर आएंगे ईच अदर। दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स क्योंकि क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी देखें अब हमने इस पेपर पे जो मैंने कहा था आप देखना चाहते हो कि आपने पिगमेंट्स को अलग करके देखना है तो ये डायग्राम एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम द लीव्स तो देखें यहाँ ये जो एक से ये ओरिजन पॉइंट ऑफ ओरिजन है यहाँ से सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल करेगा और यहाँ पे जो ये ट्रेवल करता करता ऊपर जब आएगा तो यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट फ्रंट दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डेवलपिंग सॉल्वें तो आपने देखे चार बैंड बन गए क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप शोज फोर डिस्टिंग यहाँ पे जो आपको नीचे वाला बैंड नजर आ रहा है बी ये, ये है जिसका कलर येलो होता है डिस्टेंस मूव बाय क्लोरोफिल बी उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का बैंड नजर आ रहा है डिस्टेंस मूव बाय क्लोरोफिल ए उसके ऊपर आपको येलो कलर का बेंड नजर आ रहा है डिस्टेंस मूव बायथोफिल्ड और सबसे ऊपर आपको ऑरेंज कलर का पेन नजर आ रहा है डिस्टेंस मूव्ड बाय कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन्स तो देखें हमने पेपर पे एक सैंपल डाला उसमें सॉल्वेंट ने पिगमेंट्स को लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो अलग कर दिया इस टेक्निक को कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि हम पिगमेंट्स को देखने के लिए यूज करते हैं डी एसूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी इज अ रियली यूजफुल टूल फॉर साइंटिस्ट बिकॉज इट हैल्प देम टू अंडरस्टैंड वॉट इज इन द मिक्सचर तो साइंटिस्ट ये जान सकते हैं आसानी से मिक्सचर के, mix, के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स कौन कौन से केमिकल्स अब प्रेजेंट इन एंड हाउ मच ऑफ ईच कंपोनेंट देयर इज तो हम अब इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है इट इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग केमिस्ट्री बायोलॉजी environmental science to analyze all sorts of mixtures like ins, dyes, drugs or even food. So dear students, हम करेंगे paper को, क्योंकि हमारे टेक्सट बुक में पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया गया आपने यहाँ पे अगर आप इसमें एनिमेशन को देखें तो यहाँ पे एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ और उसमें जो सॉल्वेंट है वो कलर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है मोबाइल फेज है जिसमें आपको डिफरेंट बेंड्स बनते हुए नजर आएंगे इसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई अ मिक्सचर तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उसको पेपर पे अलग करके देखा जा सकता है एक सॉल्वेंट की हेल्प से जिसे हम मोबाइल फेज भी कहते हैं फैक्ट दट द डिफरेंट कम्पाउंड रेट्स वेन एब्जॉर्ड बाजर तो इसमें जो डिफरेंट कम्पाउंड हैं डिफरेंट केमिकल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से ऊपर आएंगे सालवेंट जैसे जैसे सालवेंट ऊपर राइज करता जाएगा टू परफॉर्म पेपर क्रोमेटोग्राफी

इस द सॉल्वेंट मूव्स अप जैसा कि आप एनीमेशन में देख रहे हो सॉल्वेंट ऊपर आ रहा है बाय कैपिलरी रिएक्शन कैपिलरी रिएक्शन उसको सॉल्वेंट को ऊपर ले जाएगा इट विल डिसॉल्व एंड कैरी द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विद इट तो ये कंपाउंड्स जो हैं वो आपको एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आएंगे ईच कंपाउंड इन अ मिक्सचर विल ट्रैवल एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड अपॉन इट्स सॉलेबलिटी इन सॉलमेंट एंड इट्स इफिनिटी फॉर द पेपर तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स ऊपर आ रहे हैं एक दूसरे से अलग अलग बैंड्स बनाते जा रहे हैं और ये डिफरेंट स्पीड्स की वजह से डिफरेंट स्पीड से इस वजह से मूव कर रहे हैं कि उनकी जो वाटर में सॉलेबलिटी होती है वो डिफरेंट होती है मोर पोलर कम्पाउंडस विच आर मोर सॉलेबल इन सॉलमेंट विल टेंट टू मूव फास्टर जो कि पानी में ज़्यादा सॉलेबल होंगे तो वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे

और उसके बाद ये जो येलो है इसने 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है और जो ये जो रेड uh, कलर का बैंड है इसने 2.3 पॉइंट कवर किया है और सालवेंट ने जो मूव uh, किया है वो 3.3 पॉइंट सेंटीमीटर पेपर क्रोमेटोग्राफी इज रिलेटिवली सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव ज़्यादा महंगी टेक्निक भी नहीं है और वेरी सिंपल टेक्निक है दैट इज़ वाइडली यूज इन एनालिस ऑफ मिक्सचर्स तो हम ये इनक डाइज और पिगमेंट्स के कलर्स uh, को देखने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं इट इज आल्सो कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सच इज प्रोटीन्स और इन्जाइम्स तो इसका केमिस्ट्री में भी अप्लीकेशन होता है देट्स ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी थैंक यू डेर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट